मथुरा में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना उस समय हुई जब एक ट्रैक्टर में लगभग 2 दर्जन लोग मथुरा के गांव तरौली किसी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। तभी कोसी कला के समीप एक तेज रफ्तार गति से आ रही कार ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी और ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना कोसी क्षेत्र में पड़ता है, अजीजपुर के पास NH2 पर ये एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और स्विफ्ट डिजायर के बीच में ये दोनों ही गाड़ी एक ही दिशा से आ रही थी और ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर पीछे जो है कुछ लोग भात लेके जा रहे थे। तरौली थाना छाता के क्षेत्र के अंदर ये गांव पड़ता है। इसमें कुछ 14 लोग इसमें टोटल घायल हैं और 3 लोग इसमें मृतक हैं और मृतकों को मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। मृतक के अंदर इनके नाम हुक्मी सन ऑफ चंदकी राम है और रामवती वाइफ ऑफ हुक्मी दोनों पति पत्नी है। एक सावित्री इनके साथ के एक ही गांव के लोग रहने वाले हैं। जिलौली हथीन पलवल से लोग आ रहे थे और बीच में पीछे से जो गाड़ी ने ओवरटेक किया इसी में इनका आपस में ये टक्कर लगी है, जिससे कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली लगी हुई थी वो पलट गई, जिसमें 14 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। रामकृष्ण हॉस्पिटल कोसी में पड़ता है और एक KD हॉस्पिटल, इसके अंदर 3 लोग उसमें एडमिट कराए गए। सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये लोग? जो ट्रैक्टर ट्रॉली में भात लेके आ रहे थे, ये हथीन पलवल जिलौली करके एक गाँव पड़ता है, वहाँ से ये भात लेके तरौली क्षेत्र में ये तरौली गाँव में जा रहे थे। और जो स्विफ्ट डिजायर वाले जो लोग हैं ये लोग बरेली और लखीमपुर क्षेत्र के हैं। 2 लोग थे गाड़ी के अंदर, दोनों ही घायल हैं और दोनों को KD हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूर तक लोगों को आवाज सुनाई दी गई। स्थानीय लोगों ने ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना सर यही कि मैं तो मथुरा जा रहा था बाइक से, तो तभी मेरे सामने ये स्विफ्ट ने इस ट्रैक्टर में टक्कर मारी। ट्रैक्टर भी साइड में ओंधा हो गया और गाड़ी में भी, बाकी 3 लोग तो मौके पर ही एक्सपायर हो गए। बाकी लेडी ज्यादा जो घायल सबसे ज्यादा है। फिर मैंने 108 से एम्बुलेंस बुलवाई, पुलिस बुलवाई, उसे इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया है। बाकी कई लोग तो ट्रैक्टर के नीचे दबे होते हैं। फिर बाइक वालों को रोक रोक के मैंने अपने ट्रैक्टर उठवाया तो एक आदमी तो तभी ऑन द स्पॉट उसके वजन की वजह से भी हो गया था। तब ये बहुत बुरी घटना है। अच्छा जानकारी हो तो ये कहाँ के व्यक्ति थे, कहाँ जा रहे थे? ये ट्रैक्टर वाले बता रहे हैं कि पलवल के साइड में जनोली गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं ये और यहाँ तरौली जा रहे हैं भात रोकने के लिए। अच्छा गाड़ी में कुछ लोग थे, उनके भी कुछ चोट है क्या? हाँ उनके भी है, पर उनके माइनर है, मतलब है तो सही पर इतने सीरियस नहीं है, वो सब ठीक है। वैसे टूटा फटी घायल कितने लोग बताए जा रहे हैं? घायल तो सर 3 तो ऑन द स्पॉट मौके पर हुए, डेड हो गए हैं। बाकी तो लेडीज जाना कम से 10 या 12 आदमी घायल है। हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन सदमे में हैं। पंजाब केसरी TV के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।